नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे, आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुपर फास्ट 8 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और बताइएगा कि ये सुपर फास्ट क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। इससे पहले बता दूं, अनअकैडमी पर मेरी क्लास है, अभी 5 बजे क्लास है मेरी अनअकैडमी पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी हुई है। रेलवे स्पेशल फ्री लाइव क्लास है, रोज लगती है लाइव क्लास मेरी अनअकैडमी पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप पहली बार अनअकैडमी पर जा रहे हैं तो फ्री लाइव क्लास मेरी लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना है SP2021। इस कोड को यूज़ करके आप फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं। मेरी अनअकैडमी पर सभी क्लासेस बिल्कुल 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 फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये 50 क्वेश्चन का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो डेनमार्क की संसद का नाम यहाँ पर फोलकेटिंग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में, ऑप्शन नंबर डी। पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना की है आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हैनसांग किस देश का निवासी था? तो हैनसांग ऑप्शन नंबर डी चीन का निवासी था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोजोम को। डाउंस किस देश का घास मैदान है बताइए? तो घास मैदान ऑस्ट्रेलिया यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण शहर था। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होती है, कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर होती है। राष्ट्रीय लिंबू फल संस्थान कहाँ पर है बताइए? नींबू फल संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर यहाँ से आंसर हो जाएगा। थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है, क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाना किस देश की घास के मैदान है? तो पटाना जो है सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में है घास के मैदान जिनका नाम है पटाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो बेलाडीला फेमस है लोह उत्पादन के लिए। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी है तो 4.2 जूल के बराबर। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत के उदाहरण है? तो अरावली पर्वत आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित हैं? तो अर्जेंटीना से संबंधित हैं। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1971 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1992। ये चारों ऑप्शन गलत है, 1992 सही आंसर है, 91-92 हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो लोह इस्पात को सबसे इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर कहा जाता है। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज़ किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, साइड मिरर मतलब पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। कंपोज घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? तो ब्राज़ील में स्थित हैं कंपोज घास के मैदान। बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी के किले का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखीय पर्वत है।
हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायुसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मीर सेन। जलसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जलसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा अपशिष्ट पर्वत। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्रेरीज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत सही आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के तट पर बसा है? किस नदी के तट पर बसा है? तो हडसन नदी के तट पर बसा है न्यूयॉर्क। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो 90 डिग्री होता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर मादा एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा नरगिस, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर सी, संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग तीन को संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप, ठीक है। और आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन देता हूं, तो ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, आपको बताना है बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, बताइए। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है। और क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है? 8 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, करीब 8 मिनट में 50 क्वेश्चन। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ, तो मैं आगे भी आपको ऐसे ही 8-8 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज लाते रहूँगा। लेकिन कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। अगला वीडियो आपको मिलेगा करीब शाम को 7 या 7:30 बजे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। रात को 10 बजे आपकी लाइव क्लास लगेगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।